सो गाइस फाइनली टेक्निकल गुरुजी यानी कि गौरव चौधरी भाई ने माय स्मार्ट सपोर्ट धर्मेंद्र सर जी को मना कर दिया कि भाई मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूं। आप उनकी वीडियो खुद ही देख लो, वो अभी इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे। और हाँ, ये वीडियो देखने के बाद प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। तो पहले इस वीडियो को पूरा देख लो, ये टेक्निकल गुरुजी लाइव आए थे, मैं आपको इसकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग दिखा रहा हूं, तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अभी आया हूँ लाइव आपसे कुछ बात करने के लिए, बिकॉज आज सुबह से कुछ कुछ चीजें हुई जिनके बारे में शायद बात करना जरूरी था, और मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ खुद से, मेरे को अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। जब मैं सुबह सोके उठा तो मुझे एक ईमेल आया था, और वो ईमेल था हमारे धर्मेंद्र भाई का, जिनका चैनल है माय स्मार्ट सपोर्ट, और उन्होंने मुझे ईमेल में लिखा हुआ था कि प्लीज कॉल, इट्स अर्जेंट। तो मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, और मैंने उनको कॉल लगाने का ट्राई किया तो उनका फोन जो था वो आ रहा था नॉट रीचेबल। उसके बाद में जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला, नॉर्मल जैसे सुबह उठ के आप सभी खोलते होंगे, तो मैंने जैसे यूट्यूब खोला तो मेरे होम पेज पे एक वीडियो आया, और वो ऑटोमेटिकली आ गया ऊपर रिकमेंडेशन के अंदर वीडियो, जहां पे ये था कि उनका जो चैनल है उस पे आ गई है 3 कॉपीराइट स्ट्राइक, और जो चैनल है वो डिलीट होने वाला है आने वाले कुछ 1 हफ्ते के टाइम में, अगर वो स्ट्राइक्स नहीं हटी तो। मैं खुद शॉक में था कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज मुझे भी इस रूल का मालूम नहीं था। जब उन्होंने दिखाया मुझे बाद में कि उन्होंने एक्चुअली कम्युनिटी जो उनकी टैब थी वहां पे वो कुछ चैनल्स को प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि उनको चाहिए था 4,000 घंटे का वॉच टाइम वगैरह, तो उस चक्कर में, क्योंकि वहां पे अगर आप करते हो किसी और की वीडियो को प्रमोट तो वो अगर बंदा चाहे तो आपके चैनल पे स्ट्राइक दे सकता है अगर उसको वो चीज नहीं पसंद आती है, जो भी है रीजन। तो वो नीचे फाइनल प्रिंट में लाइन लिखी हुई थी, वो मैंने भी देखा तो मेरे को लगा कि मतलब अच्छा ये भी एक रूल है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे उनके चैनल पे 3 स्ट्राइक आ चुकी है और उन्हीं में से किसी एक ने लगाई होगी। अभी ये मुझे अभी तक खुद को भी क्लैरिटी नहीं है कि उनके चैनल पे क्या कोई कॉपीराइट स्ट्राइक पहले से भी थी, 1 या 2, और अभी कुछ नई लग गई है 1 तो, या फिर 3 स्ट्राइक से नई लगी है, वो मेरे को भी नहीं मालूम है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कम्युनिकेट करने की, लेकिन मेरी कोई बात नहीं हो पा रही है। और ऐसे में आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे बोला कि मैं उनकी हेल्प करूं या सपोर्ट करूं, मुझे काफी सारे ईमेल्स आए, मुझे आपने से काफी व्यूअर्स ने कमेंट वगैरह भी किया वीडियोस में। लेकिन हेल्प करने की बात जहां तक है दोस्तों, तो इसमें चाह के मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। मतलब ये अगर यूट्यूब की पॉलिसी है कि उसने ऐसा स्ट्राइक दिया तो दिया, अभी हम सिर्फ एक ही बात ये कर सकते हैं कि जिसने भी स्ट्राइक लगाई वो स्ट्राइक को विड्रॉ कर ले। तो ये बात करने के लिए एक बार मैं उनसे बस ये बात कर रहा हूं, अभी आपको दिखाऊंगा अगर मैं कॉल कर रहा हूं तो इनका फोन जो है वो नॉट रीचेबल आता है। मैं इनको बहुत बार ईमेल्स डाल चुका हूं कि भाई प्लीज एक बार अपना फोन देख लो। तो इनका नंबर जो है अभी वो रीचेबल नहीं आ रहा है, और ऐसे केस में पहले भी कई बार मेरी जब बात होती थी फोन पे तो इनके नंबर 2-3-4 चेंज होते रहते थे, बिकॉज कभी मेरे को बोलते थे कि इस नंबर पे कॉल करो, कभी इस पे कॉल करो, लेकिन अभी सारे नंबर पर स्ट्राइक कर लिए, सभी पे किसी पे स्विच ऑफ है, किसी पे नॉट रीचेबल है, किसी पे कॉल डेबिट वगैरह वगैरह है। एक बार अगर हमको मालूम चल जाता है कि भाई स्ट्राइक किसने लगाई है तो फिर हम जो है कुछ बात कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं वगैरह, लेकिन काम जो है बहुत ही घटिया किया है जिसने भी किया है। अब ऐसे में गलती यूट्यूब की नहीं है, गलती धर्मेंद्र भाई की नहीं है, उन्होंने सिर्फ प्रमोट करने के मकसद से वीडियोज अपनी डाली कम्युनिटी टैब के अंदर, और ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ऐसे में अगर किसी ने धोखा दिया और किसी ने स्ट्राइक लगाई है तो उस इंसान की सोच का हम क्या बोले समझ नहीं आता। और ऐसे में चाह के भी अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो बेबसी है ना, ये बहुत ही एक मैं बोलूंगा फ्रस्ट्रेशन सा है अंदर। वरना अगर मालूम चले कि हाँ इस इंसान ने स्ट्राइक लगाई है तो उससे हम बात कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि भाई क्या रीजन है या जो भी बात है, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि स्ट्राइक कितनी लगी है। भाई एक बंदे ने स्ट्राइक लगाई है, 2 स्ट्राइक्स पहले से थी, या 1 पहले से थी, या पहले कुछ भी नहीं था, सारी स्ट्राइक अभी एक साथ लग गई है, बिकॉज ये एक बहुत ही रेयर केस सिनेरियो है। वो क्यों आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारे जो है नए यूट्यूबर्स वो ईमेल्स करते हैं कि आप हमारे चैनल को प्रमोट करो वगैरह वगैरह। अब ऐसे में से धर्मेंद्र भाई ने जो वीडियोस डाली अपनी कम्युनिटी में वो तो बहुत ही लिमिटेड यूट्यूबर्स की थी। अब ऐसे में उन लिमिटेड यूट्यूबर्स में से भी 3 लोग एक साथ मिलके आ गए और 3 स्ट्राइक्स लग गई, तो ये एक बहुत ही रेयर केस सिनेरियो है। तो इसके बारे में क्लैरिटी पहले लेना बहुत जरूरी है। अभी देखते हैं कि बात अगर मेरी हो पाती है या अगर कुछ हो पाता है, बिकॉज एक इकलौता तो ऑप्शन ये है कि शायद उनको खुद को भी नोटिफिकेशन के अंदर क्या पता कोई ईमेल आया होगा जहां पर उनको मालूम चला होगा कि किस चैनल ने स्ट्राइक लगाया है। अगर उनको नहीं मालूम होगा तो उनके जो YouTube पार्टनर मैनेजर हैं, जो YouTube टीम में हैं, जो उनका चैनल मैनेज करते हैं, अगर धर्मेंद्र भाई उनसे बात करेंगे तो शायद वो उनको डिटेल्स दे सकते हैं कि इस चैनल ने आपके ऊपर स्ट्राइक लगाई है, तो बाद में हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जब क्लैरिटी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और ये वीडियो मैं YouTube पे भी डाल सकता था, लेकिन YouTube पे क्या होता है डालने का कि अभी कुछ यूट्यूबर्स हैं या जो भी लोग हैं, अगर वो सिर्फ कुछ चंद व्यूज के लिए वीडियो बना लेते हैं कि सपोर्ट धर्मेंद्र, सपोर्ट माय स्मार्ट सपोर्ट, तो उसका कोई मतलब नहीं है उस वीडियो का। सपोर्ट करने को ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं, हम सिर्फ
बैठ के इंतजार कर सकते हैं कुछ क्लैरिटी आने का। तो ऐसे में जबरदस्ती अगर हम लग जाते हैं कि हाँ सपोर्ट करो, तो कहाँ सपोर्ट करें, किस चीज का सपोर्ट करें, पहले आपको वो बात देखनी जरूरी है, पहले आपको सिचुएशन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और ऐसे केस में मेरा जो पहला अभी इंतजार है वो यही है कि मैं एक बार उनसे फोन पे बात कर पाऊँ। मैं उनको ईमेल्स कर चुका हूँ और मैं ईमेल्स के अंदर क्या लिख रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई आपका फोन नहीं मिल रहा। और मैं हमेशा उनकी ईमेल में यही बोलता हूँ, जब भी उनसे मेरी बात होती है तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई आपका फोन नहीं मिल रहा है, जो भी है। तो अभी ये मैंने इनको तीन तीन तो ईमेल किए हैं जहां पे मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई आपका फोन नहीं मिल रहा, तो अभी पता नहीं आप देख पा रहे हो, जो भी है। तो मैं वही उनसे बात कर रहा हूँ कि भाई आपका फोन नहीं मिल रहा है, अभी बात हो, मालूम चले कि किसने स्ट्राइक लगाई है, जो भी है। लेकिन ना हरकत बड़ी घटिया है ये, कि मतलब कोई आपकी मदद करने के लिए सामने आता है जहां पे आपके चैनल के ऊपर कुछ 20-50-100 नए व्यूज आ जाएंगे, उस चक्कर में आप मतलब कि आप पीछे से आगे स्ट्राइक मारते हो, बिकॉज आपको मालूम है कि ये रूल है और ये आपके मतलब ना बात है आपके कंट्रोल में कि आप स्ट्राइक लगा सकते हो। तो ये बहुत ही घटिया बात है, जिस भी चैनल ने ये किया है, जिस भी इंसान ने ये किया है, जिसका जो भी चैनल हो या जो भी हो, अब क्या कर सकते हैं, फिलहाल के लिए वेट ही करना है, होप कि सब चीजें ठीक हो जाए। और जहां तक बात है ठीक होने की, तो यार ये ठीक हो ही जाएगी, अभी एक हफ्ते का टाइम है, तो ऐसे में कोई चिंता वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी मतलब ना काउंटडाउन चल रहा है और 2 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाएगा, आराम से टाइम है, रिलैक्स तरीके से बैठ के बात करने का, समझने का, यूट्यूब टीम से बात करने का, उनसे पूछने का कुछ और डिटेल्स। अभी एट द एंड रिजल्ट तो ये निकलेगा कि जिसने स्ट्राइक लगाई है, अगर वो स्ट्राइक वापस ले तो ही ये सब चीजें खत्म होंगी, वरना तो आप भी जानते हैं कि भाई जो पॉलिसीज हैं वो तो यूट्यूब भी फॉलो करेगा। लेकिन ऐसे में वो इंसान भी स्ट्राइक वापस ले लेगा। और अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है, तो भाई ये ऐसी गंदी हरकत मत करो। और किसी ऐसे इंसान को जो मेहनत करता है यूट्यूब पे, जो कुछ 4 वीडियोस बनाता है ये सोच के कि भाई लोगों तक कुछ मैं बात पहुंचा दूं, आप उसके अगेंस्ट ऐसा काम करते हो तो बहुत ही गलत बात है। तो ऐसे में मत करो ये काम। और फिर बायू क्या बाई क्रू किसी भी तरीके से सोल्यूशन तो निकल जाएगा इस चीज का। तो ऐसे में आप जो भी माई स्मार्ट सपोर्ट चैनल के व्यूअर्स हैं, तो प्लीज परेशान मत हो किसी भी चीज को लेके, हम सभी साथ में हैं, हम सभी एक ही यूट्यूब टीम का हिस्सा हैं, और ऐसे में कोशिश पूरी कर रहे हैं और कुछ सोल्यूशन जरूर निकल जाएगा। फिलहाल बस इस वीडियो में लाइव आने का, आपसे बात करने का मेरा यही मकसद था। आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी इस मैटर के बारे में। अभी देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है, और उम्मीद यही करते हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं निकलता हूँ बाहर अपना कुछ काम करने के लिए। आई होप कि वीडियो देख लिया अभी, क्या इसमें तो सब्सक्राइब वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे मिलता हूँ आगे किसी और लाइव स्ट्रीम में, और तब तक के लिए बस इतना ही है, ध्यान रखो अपना, बाय बाय।